So the next step is about step number two. So step number two is how we have to prove about for all n equal to k, जो k है वो भी नेचुरल नंबर है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट n इक्वल टू k इन वन. यहाँ हमने शो करना था तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया. या हम मान के चलेंगे कि लेट p ऑफ n इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो देयर फॉर पी ऑफ के है ना, एन की जगह के पुट करना है इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पे. तो हम कैसे लिखेंगे, वन, बस एन की जगह के पुट कर दो आप, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन प्लस अप टू सो ऑन के इक्वल टू के इंटू के प्लस वन बाय में टू. फाइन. सो फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और जो भी कंडीशन आप यूज़ कर रहे हो उसको थोड़ा ध्यान से करते हुए रिप्रेजेंट करना है. स्टेप नंबर थ्री के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहूँगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए. स्टेप नंबर थ्री में टू शो हमें क्या लेना है एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए. एक्चुअल में पता क्या लिया हुआ है, एन इक्वल टू वन इज द स्टार्टिंग नंबर ऑफ नेचुरल सिस्टम का स्टार्टिंग नंबर है. एन इक्वल टू के मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर सिस्टम में कोई एक रैंडम नंबर उठा लिया जो के लिए इंट्रोड्यूस मतलब जिसको नाम दे दिया के. अगर के लिए वैलिड है तो मतलब उसके बीच में आने वाले सारे नंबर्स के लिए आसपास सबके लिए वैलिड है. अब इसका सक्सेसिव नंबर ले लिया के प्लस वन. तो के की वैल्यू अगर आप वन पुट करते हो तो यहाँ वन हो गया, तो यहाँ टू हो गया. के की वैल्यू टू पुट करते हो तो टू हो गया, थ्री हो गया. तो मतलब सारे ऑर्डर नंबर्स के लिए, प्रीडेसन के लिए, सक्सेसर के लिए, सबके लिए ये वैलिड है. सो नाउ टू शो, ये साथ में रखते हैं. नाउ टू शो पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू है, एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए. के आपको पता ही है के बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, या इसको कई बार पॉजिटिव इंटीजर्स में भी लिया जाता है, समहाउ स्केलर्स भी बोलते हैं कई बुक्स में. टू शो पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन. अब इस स्टेप को आप प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा. पी ऑफ एज वी हैव, सॉरी, एज वी हैव पी ऑफ एन इक्वल टू 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन प्लस एन इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू फ्रॉम वन है ना. हमारे पास ये इक्वेशन है फ्रॉम वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्लियर. सो फ्रॉम वन वी हैव दिस इक्वेशन. सो पुट एन इक्वल टू के प्लस वन फर्स्टली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन वन. इक्वेशन वन ये अब मैंने आपके सामने लिख दिया, इसकी लेफ्ट साइड में आप पुट कीजिए. सो इट विल बिकम एन की जगह क्या पुट करेंगे आप, के प्लस वन. सो इट इज़ के प्लस वन, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन. तो एन की जगह आपको क्या पुट करना है, आप के प्लस वन. तो यहाँ पे आ गया के प्लस वन. ठीक है जी. तो 3 अप टू सो ऑन. सो अब थोड़ा स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से, 1 + 2 + 3 स्टेप को रिपीट करके लिख रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए. अब देखिए इस स्टेप में आपको पता है ये नंबर है के प्लस वन, तो इसका प्रीवियस नंबर कौन सा होगा. ऑब्वियसली अगर 3 का प्रीवियस नंबर 2 है, 2 का प्रीवियस नंबर 1 है, मतलब इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 का गैप है, मतलब गैप इज अबाउट 1. तो के प्लस वन का प्रीवियस नंबर होगा के. सो हमारा हम प्रीवियस नंबर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे के, और ये लास्ट नंबर के प्लस वन. हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो इन स्टेप टू, ये पूरा स्ट्रक्चर पी ऑफ के इक्वल है. लेट मी शो यू. अभी किया था ना हमने, जब एन को के इक्वल पुट किया था इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे, तो एन की जगह मैंने के, और यहाँ पे के प्लस 1/2. तो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर किसके इक्वल बन गया था, पी ऑफ के. और पी ऑफ के किसके बराबर था, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन के. ठीक है जी. इसको मैं यहाँ रखती हूँ इसके साथ. सो पी ऑफ के, सो इट विल बिकम पी ऑफ के. तो आपने भूलना नहीं है, ये लास्ट टर्म को भी साथ में ज्वाइन करके लिखना है, के प्लस वन. फाइन. तो पी ऑफ के किसके इक्वल है, तो पी ऑफ के इक्वल है, दिस इज पी ऑफ के विच इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन के
वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ऑन के, है ना, सेम इक्वेशन है ना, तो ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है, के प्लस वन बाई टू। तो मैं पी ऑफ के की जगह क्या लिखूंगी, के प्लस वन बाय में टू प्लस के प्लस वन, फाइन। तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने में ख़त्म होता है। के प्लस वन को आप कॉमन निकालिए, अंदर क्या रह जाएगा, के बाय टू प्लस वन, क्लियर। सो के प्लस वन के प्लस टू बाय में टू इजेंट इक्वल टू राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर थ्री। अब आप बोलेंगे मैम इक्वेशन नंबर थ्री कौन सी है, सो ये मैंने इसीलिए बाद में आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए छोड़ा था, ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे कि मुझे इक्वेशन नंबर थ्री में भी आपको स्टेप को क्लियर करना है। सो इक्वेशन नंबर थ्री कौन सी रहेगी हमारे पास, हेयर, जहाँ पे हमने लिखा है टू शो पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। अगर मैं पुट करती हूँ पी ऑफ एन को के प्लस वन में, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी पी ऑफ के प्लस वन, करिए पुट ज़रा, अब आपको कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर। वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सो वन, एन की जगह पे के प्लस वन, यहाँ पे ये एन की जगह पे के प्लस वन किया, तो मैं राइट साइड में पुट करूँगी, मेरे पास क्या आएगा राइट साइड में, एन की जगह पे के प्लस वन, यानी कि यहाँ पे के प्लस वन बाय में टू, यानी कि मुझे जो ट्रू करना था वो के प्लस वन के प्लस टू बाय में टू, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री, फाइन। सो ये मेरा इक्वेशन नंबर थ्री था जो मुझे प्रूव करना था एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, जब एन बस एन की वैल्यू को के प्लस वन की जगह पुट करना है, तो एन की जगह के प्लस वन पुट किया, के प्लस वन आ गया, एन की जगह के प्लस वन, है ना, ये इक्वेशन थी ना नंबर वन, तो के प्लस वन प्लस वन बाई टू। तो हमारे पास इक्वेशन जो प्रूव करने के लिए थी ना वो ये थी। तो हम इस इक्वेशन का लेफ्ट पोर्शन मैंने तो सॉल्व कर दिया सारा का सारा, तो जब लेफ्ट पोर्शन सॉल्व कर दिया तो वो राइट साइड आ गई इक्वेशन नंबर थ्री के, जो मुझे प्रूव करना था। सो लेफ्ट साइड ऑफ थ्री इक्वल टू राइट साइड ऑफ थ्री, मैंने ये लास्ट में इसलिए लिखा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो इस चीज़ के लिए, दोबारा से बैक गियर में समझने के लिए। अदरवाइज़ आप हमेशा जो है मेरे नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं हमेशा इंट्रोड्यूस करूँगी इक्वेशन नंबर थ्री को पहले ही, ताकि आपको उस चीज़ के लिए एक बार समझने के बाद दोबारा उस चीज़ को मतलब क्लैरिफाई करने में दिक्कत ना आए। सो बाय पी एम आई आप इसके बाद लिखेंगे द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, वेयर के इज़ नेचुरल नंबर, लास्ट में लिखेंगे सो बाय पी एम आई द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज द कंप्लीट लेक्चर वी हैव डिस्कस विद द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर एंड देन द इंडक्शन। This is the topic of mathematical induction with the example of 1 plus 2 plus 3 up to so on n. Actually, we have proved a formula. So, in my coming lecture, I'll start with the particular type of question. It is a chapter which is NCERT based, chapter number 4. So, students, it's my request, please आप अपने lockdown के period को waste मत कीजिए, आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ कीजिए। अब तक आप लोगों ने थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि आपको मैथमेटिक्स में आगे स्ट्रीम में किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है खुद को। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। सो मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी वीडियोस को डालती रहूँगी, आप प्लीज़ देखते रहिएगा और टच में रहिएगा। प्रगति ट्यूटोरियल एंड जॉब्स कंसल्टेंसी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, उसको नए स्ट्रक्चर से ऑनलाइन सबमिशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो मैं साथ साथ कर रही हूँ। आपके जो भी डाउट सेशन या स्टूडेंट्स के अलावा जो और व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, वो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में मुझे अपने डाउट्स लिखिए। आपके डाउट्स को एज सुन एज अर्लियर लेने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और जो हमारे प्रगति सेंटर के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने डाउट्स को व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, कमेंट कीजिए, और आपके लिए पर्टिकुलरली एक टाइमिंग व्हाट्सएप ग्रुप में अर्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा,
ताकि आपको ये चीज़ पता हो कि हमें ये पर्टिकुलर वीडियो को लेक्चर वाइज कैसे कैसे इंट्रोड्यूस करना है. सो प्लीज़ वे डोंट वेस्ट योर दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जस्ट यूज इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.